ओ भाई साहब देख रहा है इसको, बताओ हेलो एवरीवन, नमस्कार, वेलकम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू टू विशेषम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल डे, वेरी प्लेजेंट डे। आज हम लोग निकले हैं मालशेज घाट के लिए। मालशेज घाट एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। बारिश नहीं गिर रहा है, हम लोग ने एक्सपेक्ट किया था कि बारिश अच्छा होगा क्योंकि मानसून सीजन एकदम पीक में चल रहा है पुणे में सब, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज बारिश नहीं गिरा। अनफॉर्चुनेटली इसलिए क्योंकि ऑब्वियसली हमें रेनफॉल एंजॉय करना था। ये जो डैम दिख रहा है ये है पिंपलगांव का डैम, जो कि बहुत बड़ा और बहुत खूबसूरत है। जैसे तुम लोगों ने टाइटल पढ़ा, हम जा रहे हैं काऊ वाटरफॉल की तरफ। गाड़ी एक पॉइंट तक जाता है आगे, मुझे लग रहा है कि और एक किलोमीटर के डिस्टेंस तक गाड़ी जाएगा एंड देन उसके बाद हमें कुछ एक घंटे के आसपास हमें चलना होगा, विच आई एम नॉट श्योर बाकी के वहाँ पे जाने के बाद कन्फर्म करता हूँ। तो गूगल मैप पे काऊ वाटरफॉल डाल के अगर तुम लोग आओगे तो थोड़ा सा कन्फ्यूज हो जाएगा, क्योंकि ये जो पॉइंट है वो पॉइंट एक गलत रास्ते पे लीड किया हमको। जैसे मैंने बताया ये पिंपलगांव जो डैम है, वो पिंपलगांव डैम के साइड से ऐसा एक स्ट्रेट रोड है, पूरा स्ट्रेट पैच है। जैसे सीधा जाओगे थोड़ा सा आगे जाने के बाद शिवजी का एक मंदिर लगेगा तुम्हें राइट साइड में, मैं वो वहाँ पे पहुँचने के बाद दिखा दूंगा। गाड़ी तुम्हें वहाँ पर लगाना है एंड उसके बाद वहाँ से 4 किलोमीटर चल के जाना है ना। हाउ इज़ द जोश? वेरी गुड। तो जैसे मैंने बताया ये है शिवजी का मंदिर, ये रोड से तुम्हें ये डैम को कनेक्टेड एक पाथ है, जैसे पूरा स्ट्रीट यहाँ पे आना है एंड देन यहाँ से ये पाथ है, ये पाथ लेके तुम्हें जाना है। यहाँ से 4 किलोमीटर हमें चल के जाना है। हम लोग कार में आए तो ऑब्वियसली हमें चल के ही जाना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं हमारे पास दूसरा। जो बाइकर्स है उन लोग वो डाल सकते हैं, ऑफ रोडिंग पाथ है, वो आराम से जा सकते हैं, तो वो लोग एक 10-15 मिनट में पहुँच जाएंगे। जैसे शिवजी के मंदिर की वजह से जो टर्न है वो टर्न लेके आने के बाद वी शेप में एक रोड है। ऑब्वियसली अपने को ये पहाड़ यहाँ पे देखने के बाद अपने को ऐसा लगता है कि यही रूट है, मतलब जो राइट साइड का रूट है वो लेना है, बट देन राइट साइड वाला नहीं, लेफ्ट साइड वाला ऐसा ओपन स्पेस दिखेगा, तुम्हें ओपन स्पेस का रूट लेके आना है। यहाँ का जो लोकलाइट है उनसे पूछा तो उन्होंने हमको बताया कि ये रूट ले लेना। दीवानपाड़ा गांव से हम लोग चल के हम लोग पहुंच गए हैं ऑलमोस्ट वाटरफॉल के नज़दीक। मतलब एक पॉइंट पे आने के तुमको ऐसे लिटरली लगेगा यार वाटरफॉल है किधर, क्योंकि बैक साइड पे है ऐसे माउंटेंस यहाँ पे पूरा। तो हम लोग ये अज्यूम कर रहे थे कि वो माउंटेन पे से जो वाटरफॉल गिर रहे थे उनमें से कोई एक वाटरफॉल होगा, बट देन वो रूट नहीं था। यहाँ से एक छोटा सा पाथ है, छोटे से पाथ से आगे जाना है, तुम पहुँच जाओगे काऊ वाटरफॉल के टॉप पे। हाँ पानी का हो जा रहा है भाई, लेकिन वो कौन सा है? वो काऊ वाटरफॉल नहीं है, यहाँ पे एक छोटा सा वाटरफॉल दिख रहा है और इसके टॉप पे भी लोग जाके रुके। ये मेरे को लग रहा है, अच्छा ये अभी अपन जो अभी हम लोग जो पॉइंट पे जा रहे हैं ना, ये पॉइंट मोस्ट प्रोबेबली काऊ वाटरफॉल का टॉप पे जा रहे हैं एंड देन काऊ वाटरफॉल का पूरा फॉल देखने के लिए शायद मुझे लग रहा है कि लोग घूम के जाके वहाँ पे रुके। नॉट श्योर, अगर ऐसा रहेगा तो हम भी जाएंगे वहाँ पर। जाएंगे ना उमेश भाई? जाएंगे ना। पहुंच गए हम लोग काऊ वाटरफॉल के टॉप पे। बेसिकली हमें यहाँ पे जाना है, अभी जा रहे हैं यहाँ पर। ये जो वाटर ड्रॉपलेट जो दिख रहा है ये बारिश का नहीं है, अगेन काऊ वाटरफॉल एक हल्का सा रिवर्स वाटरफॉल जैसा ही है,
बट छोटा सा है, छोटे से फॉर्म में रिवर्स की तरफ उठ रहा है। और जैसे ये वाटरफॉल दिख रहा है तुम्हें, ये भी नीचे नहीं गिर रहा है, ये भी हवा के प्रेशर की वजह से ऊपर की तरफ ही उठ रहा है। बट द व्यू ओवर हियर इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। यहाँ पर जितना सोचा उतना गर्दी तो नहीं है, बट फिर भी गर्दी है, सैटरडे है तो ऑब्वियसली गर्दी थोड़ा सा है। देखो इसमें अगर दिख रहा है, इसमें अगर समझ में आ रहा है तो पानी पूरा उड़ रहा है ऊपर की तरफ। ये वाटरफॉल देखने का एक तरीका है, कोकन कड़े से जैसे देखते ना वैसे एक टेक्निक है, तो मैं भी वैसे दिखाता हूँ कोकन कड़े का स्टाइल। मतलब तुम्हें सोना पड़ता है यहाँ पर, एंड देन यू नीड टू विटनेस द वाटरफॉल दिस वे। अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर भी एक वाटरफॉल है, सब रिवर्स की तरफ उठ रहा है। हाँ हाँ देखा, दिस इज हाउ यू एक्चुअली एंजॉय द वॉटरफॉल। ओ भाई साहब, अबे सो पहले उसके बाद आगे जा, ऐसे मत जा, जाएगा चलते चलते ऐसे जाके। तुमको अगर बेस्ट व्यू एक्सपीरियंस करना है तो तुम्हें लिटरली ऐसे ही करना है, ऐसे लेटना है एंड देन फिर उसके बाद नीचे का व्यू देखना। तो ये जो जा रहा है ये है काऊ रिवर, एंड काऊ वाटरफॉल गिरता है वहाँ पे, मीट होता है इसका, उसका नाम काऊ वाटरफॉल, काऊ रिवर है। एंड देन वहाँ से आई बिलीव एक दूसरा एक वाटरफॉल है जो माहौली है, एंड माहौली वाटरफॉल आके वहाँ पर भी मीट होता है। एक नहीं दो काऊ वाटरफॉल एक्चुअली 5 steps पे गिरता है, मतलब 5 bases है उसके गिरने का। काऊ वाटरफॉल के टॉप पे आते हो तो तुम्हें इसका टॉप पोर्शन विटनेस करने मिलता है, तुम वहाँ से भी तुम्हें एक बहुत अच्छा व्यू मिलता है। नीचे हो तो तुम्हें इसका बेस विटनेस करने मिलता है, तुम्हें उसके 5 steps एक टाइम पे नहीं दिखता है, विच इज समथिंग डिफरेंट अबाउट दिस वाटरफॉल। ये जो पानी का ओरिजिन है ये हरिश्चंद्रगढ़ के टॉप से आता है, एंड देन जाके काऊ नदी पे मिलता है। थोड़ा सा आगे जा रहे जहाँ पर थोड़ा सा ओपन एरिया है, वहाँ पे जाएगी पानी में थोड़ी देर रिलैक्स करेगी, एंड देन वी विल लीव। वाटरफॉल के लिए तुम्हें 1 घंटा चलना पड़ता है, 1 घंटा चल के आने के बाद ऑब्वियसली तुम्हें थोड़ी थकावट तो ज़रूर हो ही जाएगी, एंड देन उसके बाद आने के बाद हाँ गर्मी पसीना छूटता है, देन ऑब्वियसली जैसे देख रहे हो तुम लोग एकदम ऑयली ऑयली हो जाता है चेहरा। बट देन फिर यहाँ पर आने के बाद यू हैव अ वेरी ब्यूटीफुल स्विमिंग पूल ओवर हियर, जहाँ पर तुम एंजॉय कर सकते हो। हम लोग एक्चुअली रुके थे यहाँ पर, यहाँ से आगे गए, वहाँ पर था पानी, वहाँ पे हम लोगों ने कम से कम 1-1.5 घंटे के आसपास वहाँ पे चिल कर रहे थे पानी में। ये वाटरफॉल और खूबसूरत देखने के लिए ये पॉइंट पे जाएंगे, बट देन ये पॉइंट यहाँ से गए थे तो ज़्यादा जंगल में से तो रास्ता पता नहीं, तो हमें कहीं गलत रास्ते पर जाना नहीं था। बट देन इवन वी कैन व्यू द वाटरफॉल फ्रॉम यहाँ, ऑब्वियसली पूरा तो नहीं दिख रहा है यहाँ से, कुछ थोड़ा सा पोर्शन ही दिख रहा है, और आगे जाने का मतलब नहीं रहा क्योंकि यहाँ से क्लिफ है ये, एंड ये लोग बहुत ज़्यादा रिस्क ले रहे, थोड़ा सा स्लिप हो गया तो सीधा नीचे। भाई कोबरा है वो, भाई जहर तो रहेगा ना उसमें भी, बहुत जहर तो है, बहुत है पिल्ले में, ज्यादा जहर होता है। आपने सांप देख के एकदम सांप देख के ढचक गए ना, तभी तो देखा हमने, क्या हल है यहाँ पे आओगे तो एकदम ध्यान से देख के चलना, क्योंकि यहाँ पर एकदम से पैर के नजदीक से, पनीनी के पैर के नजदीक से सांप चला गया। टोटल 7 किलोमीटर का ट्रैक करने के बाद हम लोग पहुंच गए वापस हमारे कार पार्किंग एरिया में, एंड यहाँ पर भाई का शॉप से हम लोग अभी चाय पिएंगे और फिर वापस हम निकलेंगे घर की तरफ। उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों ने वीडियो अभी तक देखा होगा, तुम्हें पसंद भी आया होगा, काऊ वाटरफॉल भी तुम्हें पसंद आया होगा। अगर
पसंद आया है तो लाइक करो और वो कीजिए जो तुम्हें पसंद है. डू व्हाट यू लाइक, नेवर लिसन टू एनीवन, लिव योर लाइफ द वे यू वांट. अंटिल देन दिस इज वीवी रोलिंग साइनिंग ऑफ.